12वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया में अपने चरम पर था मंगोल शासक चंगेज खान का आतंक। उसके मंगोल लड़ाके जिस भी गांव या शहर से गुजरते वहां खून की नदियां बहने लगती, लाशों के पहाड़ बन जाते। कई बड़े बड़े राजा उनकी ताकत को ललकारने की हिमाकत नहीं करते थे, लेकिन ख्वारिज्म साम्राज्य के बादशाह मोहम्मद शाह ने यह गुस्ताखी कर दी। नतीजा यह हुआ कि उसका विशाल साम्राज्य तिनके की तरह बिखर गया। शाह का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन किसी तरह जान बचाकर भारत की ओर भागा। चंगेज खान ने उसका पीछा किया, लेकिन सिंधु नदी तक आकर वापस लौट गया। दुनिया भर में 4 करोड़ लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले चंगेज खान ने सिंधु नदी तक आने के बाद भी भारत पर हमला क्यों नहीं किया, यह इतिहासकारों के लिए अबूझ पहेली है। उस दौर में हर विदेशी आक्रमणकारी का सपना होता था कि वह भारत पर हमला करता और यहाँ की अपार धन सम्पदा को लूटता। चंगेज के आने के कुछ समय पहले ही मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और यहाँ भयंकर लूटपाट मचाई थी। ऐसे में चंगेज का भारत पर हमला न करना कई सवालों को जन्म देता है। मसलन, क्या उसकी सेना थक गई थी इसलिए उसने भारत हमला नहीं किया? इससे बहुत पहले सिकंदर की सेना ने भी थकावट की वजह से ही भारत पर हमला करने से मना कर दिया था। या फिर यह हो सकता है कि चंगेज दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के बर्ताव से खुश होकर लौट गया। दरअसल इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर दिया। या फिर यह भी हो सकता है कि चंगेज भारत पर कुछ वक्त बाद हमला करने वाला था, लेकिन तकदीर ने उसे मौका नहीं दिया। इन सवालों से आगे बढ़कर अगर हम अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाएं और सोचें कि चंगेज यदि भारत पर हमला कर देता तो क्या अंजाम होता। जंग के अमूमन 2 नतीजे होते, जीत या हार। उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, जो मोहम्मद गोरी के प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कहते हैं कि इल्तुतमिश की काबिलियत से मोहम्मद गोरी काफी प्रभावित था। उसने इल्तुतमिश को अमीर उल अमरा का खिताब भी दिया था। उसकी शासन व्यवस्था और युद्ध कला का लोहा इतिहासकार भी मानते हैं। ऐसे में हो सकता था कि वह चंगेज खान को हरा देता। दूसरी सूरत यह थी कि चंगेज बाकियों की तरह इल्तुतमिश की सेना को भी रौंद देता। ऐसे में भारत की तकदीर क्या होती उसे जानने और समझने के लिए हमें गौर करना होगा कि उन जगहों पर जिन्हें चंगेज खान ने जीता था उस वक्त दुनिया के करीब 22% हिस्से पर उसकी हुकूमत थी। उसकी अगुवाई में मंगोल लड़ाके मौत और तबाही के हर कार्य साबित हुए। वे जहां भी गए हैवानियत का नंगा नाच किया। उन्होंने चीन से लेकर रूस तक अपना परचम लहराया। उन्होंने हजारों शहरों को लूटा और करीब 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चंगेज खान और उसके मंगोल लड़ाके कितने बर्बर थे, ख्वारिज्म पर उनका हमला इसकी गवाही देता है। ख्वारिज्म साम्राज्य के एक गवर्नर ने चंगेज के भेजे व्यापारियों और कुछ जासूसों की हत्या कर दी थी और उनका माल लूट लिया था। चंगेज ने वहां के शासक मोहम्मद शाह के दरबार में दूत भेजा और कहा कि उस गवर्नर को उसके हवाले कर दिया जाए। शाह ने उसके दूत को कत्ल करवा दिया और उसका सिर चंगेज के पास भेज दिया। चंगेज ने बदला लेने के लिए ख्वारिज्म पर हमला किया और उस गवर्नर को मार दिया। उसने गवर्नर की आंखों में शीशा और चांदी पिघलाकर डलवा दी। चंगेज खान ने उस साम्राज्य के हर शहर को तहस नहस कर डाला। वहां के एक एक बाशिंदे का बेरहमी से कत्ल करवाया। बलक, निशापुर, हैरात और समरकंद में उसने बर्बादी का ऐसा मंजर पैदा किया कि वहां के इतिहासकारों ने उसे शैतान की औलाद तक कह डाला। चंगेज खान की जिंदगी उसने कुत्ते बिल्लियों तक को मरवा दिया। इसी मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन किसी तरह जान बचाकर भारत की ओर भाग आया था, जिसका पीछा चंगेज खान ने सिंधु नदी तक किया था। चंगेज खान का कहना था, किसी भी योद्धा के लिए सबसे अधिक गौरव की बात है अपने दुश्मनों का पीछा करना, उन्हें हराना, उनकी दौलत पर कब्जा करना, उनकी औरतों को रोता बिलखता छोड़ना और फिर उनके जिस्मों को नोचना। इससे जाहिर होता है कि उसके भीतर हैवानियत किस कदर भरी हुई थी। उसने जिस भी राज्य को जीता वहां कत्लेआम मचाया। मंगोल खानाबदोश थे, उन्हें शहरी जीवन से नफरत थी। यही वजह थी कि वे जीते हुए नगर को मिट्टी में मिला देते थे, इंसानों को गाजर मूली की तरह काटते, औरतों को जानवरों की तरह नोचते, खजानों को ऐसे लूटते कि खोटा सिक्का भी नहीं छोड़ते। ऐसी सेना के कदम भारतीय जमीन पर पड़ते तो सोच सकते हैं कि कितनी तबाही मचाई जाती। चंगेज खान की जीत से भारत की सभ्यता और रीति रिवाज पर बड़ा असर पड़ता। उस वक्त उत्तर भारत सबसे उपजाऊ इलाका भी था। एशिया के बाकी मुल्कों के साथ व्यापार भी इसी रास्ते से होता था। मंगोल की जीत से यह इलाका बर्बाद हो जाता। इससे भारत का सामाजिक आर्थिक ढांचा भी तबाह हो जाता। शायद मंगोलों के सफल सैन्य अभियान के बाद
भारत में तेनगरी धर्म को मानने वालों की संख्या भी काफी बढ़ जाती, जिसे चंगेज खान मानता था। मुगल और अंग्रेज जैसे आक्रमणकारियों का मकसद भारत पर हुकूमत करना था, इसलिए उन्होंने खून खराबा और लूटपाट तो खूब किया, मगर एक हद में रहकर। मुगल वंश के शासक बाबर ने काफी कम हद तक शासन किया, फिर भी उसने अपनी आत्मकथा लिखी, इतिहास लेखन को बढ़ावा दिया, कला के क्षेत्र में कुछ योगदान दिया ताकि वह भारत के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ पाए। उसके बाद के मुगल शासकों ने भी अपने दरबार में कई विद्वानों को आश्रय दिया। उन्होंने ताजमहल और लाल किला जैसी खूबसूरत इमारतें बनवाकर स्थापत्य कला को नए मुकाम पर पहुंचाया। दूसरी ओर चंगेज खान का यकीन सिर्फ लूटपाट और नरसंहार में था। खानाबदोश मंगोलों का सामाजिकता, कला या फिर इतिहास लेखन में कोई खास सरोकार नहीं था। चंगेज ने चीन जैसे बड़े बड़े देश को जीता और वहां भयंकर कत्लेआम मचाया। चीन में लंबे वक्त तक मंगोलों की हुकूमत भी रही, लेकिन फिर चीन के इतिहास पर मंगोलों की वैसी छाप नहीं दिखती जैसी भारत पर मुगलों की दिखती है। इसके उलट चीनी विद्वानों ने मंगोलों के इतिहास को ज्यादा प्रभावित किया। ऐसा नहीं है कि चंगेज के वंशज कुछ कम क्रूर थे। उसके पोते हलाकू ने साल 1258 में बगदाद पर आक्रमण किया। उसने वहां वही किया जो उसका दादा चंगेज आधी सदी से करता आ रहा था। उसने बगदाद के खलीफा के साथ तमाम आला ओहदेकारों को मौत के घाट उतार दिया। उसने शहर पर भूखे भेड़ियों के मानिंद हमला किया, भयानक कत्लेआम मचाया गया। उसके सैनिकों ने शाही परिवार की औरतों को गलियों में घसीटा, उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारी भले भारत को जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित करने में एक हद तक अहम भूमिका निभाई। उनके आक्रमणों की वजह से मध्य पूर्व के कई इस्लामिक विद्वान, इतिहासकार, रहस्यवादी कवि और सूफियों ने भारत में शरण ली। इनमें से कईयों को दिल्ली के सुल्तानों ने अपने दरबार में जगह दी। उन्होंने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद की बातों का प्रचार प्रसार किया। जलालुद्दीन खिलजी के समय में कई मंगोल दिल्ली में ही बस गए, इसी वजह से मंगोलपुरी जैसे शहर भी बसे। मंगोलों के दिल्ली और दूसरे इलाकों में बसने का असर दिखता है भारतीय खानपान में। उन्होंने मुख्य भोजन के तौर पर चावल के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने ही उत्तर पूर्व भारत में लोगों को दूध और मलाई से तरह तरह पकवान और पेय पदार्थ बनाना सिखाया। उत्तर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा पंचफोरन भी उन्हीं की देन है। इसमें पांच मसालों यानी जीरा, प्याज के बीज, सरसों, सौंफ और मेथी के बीज का मिश्रण होता था। सरसों के तेल को भी मंगोल आक्रमण के बाद ही भारतीय रसोई में जगह मिली। बहरहाल चंगेज खान को भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों पर हमला न कर पाने का हमलाल ताउम्र रहा। 1227 में जब वह मरा तो उसके आखिरी शब्द थे, मैं पूरी दुनिया फतेह करना चाहता था, लेकिन इसके लिए एक उम्र बहुत कम है। मैं चाहता था कि उसके मरने के बाद किसी को पता न चले कि उसे कहाँ दफनाया गया है, इसलिए उसके सैनिकों ने उसे दफनाने के लिए वहाँ हजारों घोड़े दौड़ाकर उस जगह को एकदम समतल कर दिया। उसे दफनाने वाले सैनिकों को भी मार दिया गया। इतिहासकार आज भी उस मंगोल शासक की कब्र तलाश रहे हैं जो कभी मध्य एशिया में आतंक का दूसरा नाम था। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।